कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार मंत्री जो है उनके लिए संबोधित करेंगे। मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगी। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव मेरी उंगली पर आप निशान देखिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली से आती हूँ। 25 मई को दिल्ली में मतदान हुआ। पूरे देश का प्रचार करके मैं राजधानी दिल्ली पहुंची, अपने मत का इस्तेमाल किया। 1 जून को मंडी लोकसभा हिमाचल की चारों सीटों पर वोट होगा। फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगी। मैं अपना वोट देश के अन्नदाता, देश के किसान और सरहद पे खड़े हमारे जवानों को समर्पित करके आई हूं। क्या आपका वोट 1 जून को देश के अन्नदाता और सरहद पे खड़े जवान को समर्पित हो सकता है, हाँ या ना? आज हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, 140 करोड़ के भारत का आपका और मेरा पेट पालने वाला किसान आज शोषित है, पीड़ित है, अन्याय हो रहा है। कहा था भाजपा ने 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। मैं पूछना चाहती हूँ, किसान की आय दुगनी हुई? नहीं हुई है। कर्ज दुगना हुआ, आत्महत्याएं दुगनी हो गई। किसान अपना हक मांगने दिल्ली की दहलीज पर गया, लेकिन तानाशाह ने न्याय नहीं दिया, फसल का उचित दाम नहीं दिया। 700 गोलियां हमारे 700 किसानों को शहीद कर गई। रास्ते में कील बिछाए, रास्ते में खाइयां, दीवारें खड़ी की, खाइयां खोदी, लेकिन हमारे अन्नदाता को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिला। पूछना चाहती हूँ, फसल का उचित दाम दे या ना दे? मिलना चाहिए या नहीं? तो हमारा न्याय पत्र कहता है 1 जून को आपका वोट, 4 जून को हमारी सरकार। आते ही सबसे पहला कानून किसान को फसल का उचित दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी का कानून देने जा रहे हैं। 10 साल नहीं मिला, 10 साल नहीं मिला, पर आपका एक वोट 1 तारीख को, 4 तारीख को सरकार बनते ही हमारे अन्नदाता के साथ न्याय कर देगा। और एक और चीज आपसे किसान के लिए मांगने आई हूं, अगर आपका एक वोट मेरी तरह किसान को समर्पित होगा, आज हमारे देश का किसान कर्ज में है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस किसान का कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं? कर दे माफ या नहीं? पूछते पैसा कहाँ से आएगा? अरे जब पूंजीपति मित्रों का, प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों, जब पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़, कितना? जब पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ इन 10 सालों में मोदी जी आप माफ कर सकते हैं, तो हम भी अपने अन्नदाता को कर्ज मुक्त कर देंगे। 4 जून को सरकार आते ही हमारे किसानों को जाकर बता दीजिएगा, अगर यहाँ पर भी है तो वो सुन ले, 4 जून को हमारी कलम फैसला करेगी, देश के अन्नदाता, हमारे किसान पर 1-1 रुपए का कर्ज माफ होने जा रहा है। तीसरा, किसान न्याय कभी नहीं हुआ आजादी से लेकर अब तक, जब तक मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, कि हमारे अन्नदाता किसान को टैक्स या कर देना हो। ये सरकार आई, हमारे किसान अन्नदाता से भी टैक्स, कर, लगान, जीएसटी वसूलने लग गए। हमारा न्याय पत्र कहता है 4 जून को, 1 जून को वोट दे दीजिए, 4 जून को हमारे अन्नदाता को टैक्स, कर, जीएसटी मुक्त कर देंगे। नहीं देगा हमारा अन्नदाता इस देश का टैक्स। इन 3 चीजों पर आपने वायदा किया है। होगा किसान न्याय? होगा किसान न्याय? होगा आपका एक वोट किसानों को समर्पित? होगा आपकी उंगली पर किसान न्याय के लिए नीली साड़ी का निशान? मैं अपने अन्नदाता की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ एडवांस में। अभी वोट होना है, लेकिन मुझे मालूम है, अगर आपने कह दिया 10 साल किसान के साथ अन्याय हुआ है, अब न्याय होना चाहिए और आपका वोट उन्हें समर्पित होगा, तो मैं विश्वास करती हूँ कि किसान के साथ न्याय होगा। दूसरा, मैंने कहा सरहद पे खड़ा जवान, क्या किया इन्होंने? 10 साल में जो सेना की पक्की भर्ती थी वो रद्द कर दी गई। क्या लेकर आए पक्की भर्ती के बदले? ठेके की 4 साल की अग्निपथ भर्ती योजना, अग्निवीर शामिल किए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए यहाँ पर, कि क्या आपका वोट 1 जून को सरहद पे खड़े जवान और सेना को समर्पित हो सकता है? पक्की भर्ती होनी चाहिए या नहीं? ठेके की 4 साल की नौकरी रद्द होनी चाहिए या नहीं?
दे दीजिए सेना के नाम पर वोट। 4 जून को दूसरा फैसला आएगा कि अग्निपथ भर्ती योजना ठेके की 4 साल की नौकरी को रद्द करके सेना की पक्की भर्ती बहाल, पक्की भर्ती होगी। 2 लाख युवा कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं पास करके इंतजार में बैठे थे कि सेना की पक्की भर्ती खुलने वाली है, लेकिन तानाशाह का फरमान आ गया कि पक्की भर्ती तो खत्म हो गई है, करनी है तो ठेके की नौकरी कर लो मात्र 4 साल की। इसका नतीजा अंजाम क्या हुआ सुनिएगा। अभी तक 4 हमारे युवा अग्निपथ में जो शामिल हुए थे शहीद हो गए, उसमें से 1 युवा का नाम है अमृतपाल सिंह। माँ बाप का, माँ की कोख से जन्मा माँ बाप का इकलौता बेटा नाम अमृतपाल सिंह। कितना बड़ा कलेजा चाहिए ना माँ और बाप को इकलौता बेटा सेना में भेजने के लिए, और वही हुआ। सपना था, भेज दिया अमृतपाल सिंह को, माँ बाप का इकलौता बेटा 19 साल का सरहद पे जाते ही 2 महीने पहले शहीद हो गया। पीठ पर नहीं, अमृतपाल सिंह के सीने पर गोली लगी, दुश्मन का सामने से मुकाबला किया ये साबित हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब अमृतपाल सिंह का शव, ये शहीदों की धरती है इसे देवभूमि कहा जाता है, तो हिमाचल की धरती को वीरों की भूमि भी कहा जाता है, शहीद सपूतों की भूमि भी कहा जाता है, इसलिए नमन करते हैं हम बार बार हिमाचल की धरती को। शव लाया गया, जब शहीद का शव लाया जाता है तो दुल्हन की तरह सजाकर सेना के वाहन में फूलों से सजाकर दुल्हन की तरह लाया जाता है, लेकिन अमृतपाल सिंह का शव जब गांव में लाकर माँ बाप को सौंपा जा रहा था तो जिस ताबूत में शव लाया गया उस शव के बाद लिखा था अग्निवीर अमृतपाल सिंह। माँ रोई, माँ चीखी, माँ चिल्लाई, वो अमृतपाल सिंह नहीं, वो शहीद हुआ है, वो शहीद अमृतपाल सिंह है, लिखो उसके नाम के सामने शहीद, वो शहीद अमृतपाल है। लेकिन क्या किया भाजपा की सरकार ने, बोला नहीं ठेके की नौकरी है, 4 साल की नौकरी है, शहीद को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, छीन लिया गया। माँ रोती रही, पिता चिल्लाता रहा, अग्नि दे दी गई, लेकिन शहीद अमृतपाल सिंह नहीं लिखा गया। ये सही किया इन्होंने, ये सही किया, शहीद को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। तो इसी के लिए कहती हूँ अपना 1 वोट समर्पित करिए ताकि हम इस भर्ती को रद्द करके शहीद को शहीद का दर्जा दें। ताबूत खोला गया, ताबूत खोला गया, शहीद का शव निकाला गया, माँ फिर रोई और चीखी चिल्लाई, बोली सफेद कफन, शहीद हुआ है मेरा बेटा, और शहीद का शव कभी सफेद कफन में नहीं आता है, शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है। मांगा माने अपने शहीद बेटे के लिए कफन में तिरंगा, लेकिन तिरंगा नहीं मिला। अग्नि दी गई तो कहा सम्मान के साथ 2 अग्नि, सलामी दी जाती है, लेकिन अमृतपाल सिंह को सलामी सम्मान नहीं मिला। सबसे बुरा तब हुआ जब सेना के वाहन में लाया जाता है वीर के शहीदों के शवों को, यहाँ निजी एम्बुलेंस में लाया गया और निजी एम्बुलेंस का किराया शहीद के रोते माँ बाप से मांगा जा रहा था। हम इसीलिए कहते हैं साथ दीजिए इस ठेके की अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करके पक्की भर्ती, शहीद को शहीद का दर्जा, कफन में तिरंगा, माँ को बाप को शहीद के जो पेंशन और अधिकार है सम्मान है वो लौटाने के लिए हम आपका 1 जून को वोट मांग रहे हैं। देंगे वोट किसान के नाम, देंगे वोट जवान के नाम, मोदी का परिवार लेकर आई हूं, मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार, सबने अपने नाम के पीछे साथ में लिख लिया है मोदी का परिवार। ये कौन है मोदी के परिवार में, भाजपा का विधायक है इसमें, भाजपा का सांसद है इसमें, भाजपा का मंत्री है इसमें, और ये मोदी का परिवार है, और ये सबके साथ हमारी बेटियों के बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और उनके दोषी है। मोदी का परिवार, बेटी बचाओ ब्रजभूषण शरण कौन है, साक्षी मलिक स्वर्ण पदक जीत कर आई हमारी बेटी ओलंपिक में, पहला स्वर्ण पदक पहलवानी में, विश्व में बड़ों बड़ों को पटकनी देकर हमारी
बेटी ने स्वर्ण पदक जीता और तिरंगा लहराया, हमें गर्व महसूस हुआ। लेकिन जब वो भारत वापस आती है, भाजपा के सांसद उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण शरण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, बेटी को बुलाते हैं, गिरेबान में हाथ डालते हैं उसी बेटी के, जो स्वर्ण पदक की जीत कराई है तिरंगा ऊपर, इसने उसकी गिरेबान में हाथ डाला, उससे गलत काम करने की कोशिश की। बेटी ने कहा मोदी जी के पास जाऊंगी, स्वर्ण पदक जीता था, मोदी जी ने बुलाया था, तुम गलत काम कर रहे हो, मोदी जी को बताऊंगी। एक साल हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी बेटी साक्षी मलिक को मिलने का समय नहीं दिया। मिलना चाहिए था साक्षी मलिक को या नहीं मोदी जी को? आपको न्याय मिलना चाहिए था या नहीं? भाजपा की उम्मीदवार अगर आएगी तो पूछिएगा क्यों खामोश है, हमारी बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। बेटी दिल्ली पुलिस में गई, प्रियंका गांधी गई, हम गए, दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं लेंगे। बोला ये सांसद है, उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार, देश में दिल्ली में इसकी सरकार, सांसद है, नहीं लिए एफआईआर दिल्ली पुलिस ने। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस अपनी कुर्सी बचा रही थी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, अदालत गए, अदालत ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस और भाजपा की सरकार को, 24 घंटे में बेटी की एफआईआर लो और कार्रवाई करो, तब एफआईआर होती है। लेकिन गिरफ्तार हुआ नहीं, रिहा है, वोट मांग रहा है। यह है बीच में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी, यह है प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक से सांसद है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसके साथ दिख रहे हैं, इसके लिए वोट मांग कर आए। भाजपा के लोगों ने बताया प्रधानमंत्री जी से टिकट मत दो, इसके लिए प्रचार मत करो, क्योंकि आदमी का चरित्र सही नहीं है प्रज्वल रेवन्ना का, क्योंकि पूरे शहर में लोकसभा जहां से चुनकर आया वहां चर्चा है कि ये माँ बहन बेटियां गरीब राशन कार्ड आधार कार्ड पेंशन नौकरी के लिए जाती हैं, तो ये माँ बहन बेटियों को पिछले कमरे में बुलाकर उनसे गलत काम करता है, उनके वीडियो बनाता है, उनको ब्लैकमेल करता है कि अगर बाहर जाके बोलो तो मैं सांसद हूँ, मेरे साथ प्रधानमंत्री है, मेरी सरकार है, कुछ नहीं होगा, बदनामी होगी, चुप रहो। 1000 बेटियों और माओ के 1000 बेटियों और माओ के 5 साल तक बलात्कार करता रहा और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा, नहीं हिम्मत जुटा पाई हमारी माँ बहन बेटियां डर से इज्जत से कि बदनाम हो जाएंगी, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसके साथ देश के प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, उसका प्रचार करके आ रहे हैं। क्या हुआ, भाजपा के जो नेताओं ने मोदी जी और अमित शाह जी तक सारी सच्चाई, क्योंकि वीडियो बना हुआ था, दे दिया था उन्हें, मत दो टिकट, मत करो मोदी जी प्रचार, बेटी बचाओ का नारा दिया है, ये चीज छुपेगी नहीं, टिकट देते ही 1000 माँ बहन बेटियों के जो 5 साल में उसने यौन उत्पीड़न किया था उसके सीडी और वीडियो बाजार में फेंक दिए गए, पूरे बाजार में मोबाइल पर हमारी बेटियों के बलात्कार होते हुए देख रहे हैं लोग। सारा प्रचार छोड़कर पहुंच गई मैं कर्नाटका, हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री से मिली, बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी ताकत उसके पीछे हो, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी कर्नाटक की सरकार ने एफआईआर शुरू की और एसआईटी बिठा दी, एसआईटी की जांच बिठाते ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची, पता लगा प्रज्वल रेवन्ना बीच चुनाव में देश छोड़कर भाग गया है। कहां है प्रज्वल रेवन्ना? जर्मनी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करवाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? उसको घसीट कर जर्मनी से भारत लाकर कर्नाटक की सरकार को सौंपना चाहिए या नहीं सौंपना चाहिए? इसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मांग करिएगा। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा दिया है, आपकी डबल इंजन की सरकारों में बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार हो रहे हैं, आएगी भाजपा की उम्मीदवार तो पूछिएगा ये प्रज्वल रेवन्ना की सच्चाई? अलका लांबा हमें बता कर गई है, तुम क्यों चुप हो? मोदी जी क्यों चुप हैं? क्यों नहीं प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़कर भागने में मदद किसने की? हम ये जानना चाहते हैं, कैसे वो इमिग्रेशन क्रॉस करके जहाज में बैठकर विदेश भाग गया और आज 1 महीना हो गया है। कर्नाटक की सरकार को बार बार कह रही है कि जर्मनी की सरकार से बात करो, लेकिन बेटी बचाने वाले अपराधियों को बचा रहे हैं। संदीप सिंह, मैं वही कह रही हूं, मोदी के परिवार में अगर सांसद है, मंत्री है, संदीप सिंह नाम है, चेहरे देख लीजिए, पूरा पोस्टर लेकर आई हूं चुनौती देने के साथ, डरती नहीं, नाम है, चेहरे है, कारनामे। संदीप सिंह मंत्री है हरियाणा के,
आरबी डबल इंजन की सरकार में खेल मंत्री है, महिला कोच से गलत काम किया, प्रमोशन कर दूंगा, नौकरी पक्की कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ सोना होगा, ये कहा इसने। क्या हुआ, हरियाणा की पुलिस के पास बेटी गई एफआईआर कराने, हरियाणा की पुलिस ने भी वही जवाब दिया जो दिल्ली की पुलिस ने कहा। अरे मंत्री है, सरकार है इसकी, कुछ नहीं होगा, रफा दफा करो मामला, लेकिन बेटी न्याय मांग रही है। और ये संदीप सिंह आज भी हरियाणा की सरकार में मंत्री है, मोदी जी के साथ मंचों पर वोट मांग रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, कौन है ये दोनों, भाजपा के उत्तर प्रदेश से विधायक है। नाबालिग बेटियां, नाबालिग बेटियों का बलात्कार किया इन दोनों ने, बेटियां 10 साल लड़ाई लड़ी, यही कहा जाता रहा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार विधायक है। गरीब माँ बाप थे, बेरोजगारी थी, उसका नजायज फायदा उठाते हुए बेटियों का बलात्कार किया, 10 साल बेटियां लड़ी, और दोनों को, भाजपा के दोनों विधायकों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी है। हाँ या नहीं मोदी जी, यही जो आपका परिवार है 10 साल से, पूछिएगा महिला विधायक जो उम्मीदवार है ये कौन लोग है। अगर आज आपकी आधी आबादी चुप रही तो हम भी उन बेटियों के दोषी होंगे जो बेटियां न्याय मांग रही हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही बात करूंगी, समय ज्यादा नहीं लूंगी, बहुत गर्मी है, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं महिलाओं को कहूंगी, महंगाई मुद्दा है, महंगाई का हल होना चाहिए था, 10 साल कम थे, 1 साल पहले भाजपा की ही सरकार थी, यहां से ही विधायक को आपने मुख्यमंत्री भी बना दिया था, सिर्फ एक ही तो साल हुआ आप नहीं है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, होनी चाहिए महंगाई पर बात, लेकिन माँ से महंगाई नहीं, माँ से मंगलसूत्र पे बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। मेरी बहनों के गले में मंगलसूत्र है, कहते हैं तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है, ये मुसलमान घुसपैठिए हैं, कांग्रेस आएगी आपकी संपत्तियां बेचकर मुसलमानों को दे देगी, आपको लगता है हम ऐसा करेंगे, हमने 50-55 सालों में ऐसा किया। मत करिए मंगलसूत्र की बातें, मत ये खौफ और डर धर्मों में हिंदू मुस्लिम करके, कुछ हासिल नहीं होगा मोदी जी, देश जलेगा, सिर्फ आप अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, देश हिंदू मुस्लिम में जलेगा। आज आपके विक्रमादित्य उम्मीदवार भगवान श्री राम के मंदिर में गए हैं, है ना, पोस्टर दिखाइए, भगवान श्री राम अयोध्या के मंदिर में भी आपके उम्मीदवार वो करा, ये पोस्टर क्या कहता है, किसका पोस्टर है, हाँ ये उनका नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कद कितना, किसका बड़ा, भगवान श्री राम का कद बड़ा है या मोदी जी का कद बड़ा दिखाया गया है, ये भाजपा का पोस्टर है, मोदी का कद भगवान श्री राम से बड़ा हो गया, भगवान श्री राम ने मोदी जी की उंगली नहीं, मोदी जी ने भगवान श्री राम की उंगली पकड़ी हुई, और मोदी जी भगवान श्री राम को राम मंदिर में ले जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अब हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही, हमारे हिंदू धर्म भगवान श्री राम का अपमान नहीं हो रहा है, हाँ हिंदू मुस्लिम मत करिए, अगर आप आएंगे तो आप ही को गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आपने, और आप तो मोदी जी ने कह भी दिया है कि उन्हें लगता है अपनी माँ और कोख का, माँ की कोख का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप ये कहकर कि आप अपनी माँ की कोख से पैदा ही नहीं हुए ऐसा आपको लग रहा है, आप अवतार हैं, आप ऊपर से आए हैं, आपकी बायोलॉजिकल पैदाइश है ही माँ की कोख से, अपने आप को भगवान कहने लगे और यहाँ की उम्मीदवार भी उन्हें भगवान कह रही है, हमें पता है एक भगवान ऊपर है और अगर जमीन पर कोई भगवान है तो वो जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे माता और पिता हमारे भगवान है और ऊपर वो भगवान है। कहते हैं मोदी जी के लिए महंगाई बेरोजगारी और इस तरह से बोल रही है, ज्यादा मत बोलिए, मोदी जी को गुस्सा आ गया तो वो भगवान मानने लग गए हैं, आपको कहीं श्राप ना दे दिया, आप भस्म ना हो जाए, यहां तक की बातें कर रहे हैं कि शक्ति आ गई है उनमें कि अगर आपसे गुस्सा आ गए तो ये होगा, मत पड़िए इन चीजों में, मुद्दे महंगाई है, हमारा वायदा है कांग्रेस की सरकार महंगाई के नाम पर अगर आपका 1 जून को वोट गया तो 4 जून को हम हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में साल का 1 लाख रुपया और हर महीने की 1 तारीख को 8,500 रुपया डालने वाले हैं, और ये काम 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। पूछा मेरे मुख्यमंत्री से
सुखविंदर सुक्खू जी से बहनों को 1500-1500 का वायदा था, बिल्कुल वायदा था। मैंने भी चुनाव प्रचार किया था और कहा था हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपया आएगा, लेकिन त्रासदी आई, कर्ज में डूबी हुई सरकार अभी एक साल नहीं हुई, उसी एक साल की सरकार को गिराने का, लोकतंत्र की हत्या करने का, विधायकों को खरीद फरोख्त करने का खेल इन्होंने शुरू कर दिया। 6 विधायक हमारे इन्होंने खरीद लिए, इस्तीफा कराया और आज इनकी टिकट पर लड़ रहे हैं। आपने देखा एक मछली को जब आप पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मछली पानी से बाहर आते ही कैसे छटपट आती है, ठीक उसी मछली की तरह जब से ये भाजपा हिमाचल की सत्ता से बाहर आई है उस सत्ता के लिए वही छटपटा रही है, उस मछली की तरह छटपटा रही है। सत्ता चाहिए उसके लिए किसी भी कीमत पे लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतर आई। 1500 का वायदा था लेकिन कर्ज में डूबा हुआ है हिमाचल, त्रासदी आ गई है। आपसे मदद मांगी, आपने मदद नहीं की है, लेकिन आपका 1500 रुपया आपसे वायदा है वो भी आएगा, लेकिन 1 जुलाई से 8500 रुपया दिल्ली में कांग्रेस की बनने वाली सरकार डालेगी और जुलाई में ही तो अगस्त तक 8500 और 1500 मिलाकर 10000 रुपया हर महीने की पहली तारीख को आपके बैंक खातों में आएगा, ताकि आप महंगाई की शिकार ना हो। हमारी आंगनवाड़ी बहने, हमारी आशा वर्कर बहने, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनों को कहना चाहती हूँ, 1 जुलाई को आपका जितना मानदेय तनख्वाह थी 1 जुलाई को बैंक में जाकर देख लीजिएगा, दुगनी तनख्वाहें, दुगना मानदेय होना जा रहा है, आपका मानदेय तनख्वाह दुगनी होने जा रही है। मैंने आपसे किसान के नाम पर वोट मांगा, मैंने आपसे सरहद पे खड़े सेना के जवान के नाम पर वोट मांगा, मैंने आपसे महंगाई के नाम पर वोट मांगा, मैं आपसे बेरोजगारी पर बात कर रही हूँ। कहा था नहीं कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, कहां है वो 20 करोड़ युवा, कहां है वो 20 करोड़ हाथ जो कहें हाँ हमें सरकारी पक्की नौकरी मिली, और करोड़ों हाथ इस देश में आज इन चुनावों में दिखने चाहिए थे या नहीं, लेकिन नहीं खड़े होते। पता लगता है बेरोजगारी ने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माँ बाप चिंतित है कि बेटे बेरोजगार घूम रहे कहीं नशे का शिकार ना हो जाए। हमारा वायदा है 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली पड़े हुए हैं। हम 4 जून को सरकार आते ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती खोलने जा रहे हैं, और इसी साल के 15 अगस्त से पहले इन 30 लाख सरकारी नौकरी के पदों को हम भरने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरी के पद इसी साल। एक मां ने कहा मेरे बेटे की तो सरकारी नौकरी की उम्र ही सरकारी नौकरी के इंतजार में निकल गई है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, इम्तिहान नहीं पास कर पाएगा, उसका भविष्य का क्या करेंगे, ये 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियां तो उनके लिए होंगी, मेरे बेटे के लिए क्या होगा।